केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को रात 11 बजे फिर से एम्स में भर्ती किया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। फ्रेंड्स, आपको बता दें, करीब 2 सप्ताह पहले यानी 31 अगस्त को गृह मंत्री को एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं ने गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अमित शाह को पिछले महीने करोना वायरस हो गया था, जिसके बाद वह मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गत 2 अगस्त को करोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद 14 अगस्त को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, 18 अगस्त को थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के चलते अमित शाह को दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद उन्हें 31 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब 12 सितंबर को रात 11 बजे उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कराया गया है। फ्रेंड्स, रामविलास पासवान ने गृह मंत्री की जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.